जल्दी से उनका एक रिएक्शन ले लूं फिर आ रही हूं। अरविंद जी अरविंद जी आप अनम्यूट कर लीजिए। तो ये जो लोकतंत्र विपक्ष के लीडर हैं, वो सारे के सारे लोकतंत्र की हत्या की दुआई देते हैं, संविधान की हत्या की दुआई देते हैं और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो उसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये 18 पार्टियों के नेता मिलकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे सिर्फ इसी बात के लिए कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए आपको अरेस्ट न किया जाए, आपको जमानत दी जाए और इन्वेस्टिगेशन हमारे घर पर की जाए। फेक के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, उन्होंने कानून अपना काम करेगा। तो ईडी और सीबीआई का तो आर्ग्यूमेंट इनका वैसे ही डिमोलिश हो गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट पर मोहर लगा दिए बकायदा। तीसरी बात, लोकतंत्र की हत्या बहुत भारी शब्द है, लोकतंत्र की हत्या उनकी एमरजेंसी में। और अलका जी वो आप सब लोगों ने बताया सेक्टर से 150 लोगों को जेलों में, 3,937 पत्रकार डॉक्टर जेल में, सारी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज राइटिंग में बंद की गई। वो होती है एमरजेंसी, नसबंदी कराई गई, आदमी जा रहा है नौकरी करने, कोटा फिक्स कर दिया कि अगर 5 केस नहीं लाओ तो नौकरी से निकाल के बात कर देंगे। वो होती है एमरजेंसी। और ये आप उस सरकार का अच्छी नहीं लगती, कम से कम समझ में आना चाहिए कौन क्या बोल रहा है, क्या पॉइंट रेज कर रहा है ना, बहुत जरूरी है। इनको बोल लेने दीजिए, आऊंगी मैं आपके पास। एक सेकंड अलका जी धैर्य रखिए, देखिए प्रेम शुक्ला जी कितने धैर्य से एकदम बैठे हैं मुस्कुराते हुए। एक सेकंड अलका जी, हम ये कह रहे हैं कि जब नसबंदी की जाती थी, लड़कों की भी नसबंदी की जाती थी और एम्प्लॉयज का कोटा फिक्स कर दिया था कि अगर 5 नसबंदी के केस महीने में नहीं लाओगे तो नौकरी में खड़ा कर दिया जाएगा, वो सीन हमने खुद देखे आंखों से। तो वो होती है एमरजेंसी, और एमरजेंसी एक ही होती है, अघोषित कुछ नहीं होता, घोषित होता है। आज की डेट में न्यायालय काम कर रहे हैं, यूट्यूबर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया काम कर रहा है, मीडिया काम कर रहा है, किसी की बिजली का दीजा नहीं, किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, रोज आके घंटों गालियां देते हैं मोदी को ये बैठ के। कोई एक्शन नहीं है किसी के खिलाफ, पूरी स्वतंत्रता है। और विकास के मुद्दे पे भी ये देश 2.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गया है, 5 पे आ गया अंक जी, और तीसरे का टारगेट है। तो ये मत कहिए, और जो गरीब आदमी है उसको मकान, शौचालय और भोजन का इंतजाम भी यही सरकार कर रही है। तो महंगाई नहीं है, आप उनका साथ नहीं दे रहे, वो तो अकेले लड़ रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, जरा अलका जी को भी पॉइंट ऐड करने दीजिए। ठीक है अलका जी, अर्पिता जी प्लीज हाथ जोड़कर मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, 9 साल की इसे इनकी सरकार है, ईडी सीबीआई आईटी रेड पे रेड हुई, पूछताछ 55 घंटे राहुल गांधी जी से भी पूछताछ हुई, उसके बाद पूरी भारत जोड़ो यात्रा देश में हुई। हम ये कहना चाहते कि 9 साल केंद्र की भाजपा सरकार के पास कम पड़ गए, किसी एक का दोष 9 सालों में भी वो साबित करके उन्हें दोषी करार करके उनकी सदस्यता रद्द कर उन्हें जेल के पीछे नहीं भेज पाए, क्योंकि सिर्फ बदले की भावना के साथ विपक्ष को कुचलने के लिए, उन आवाजों को कुचल के लिए जो लोकतंत्र की आवाज बनकर खड़े हैं, उसके कुल चलने के लिए इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, बार बार किया है। हम भी चुनौती देते हैं, बाकी का 1 साल या कुछ महीने बचे हैं, केंद्र की भाजपा सरकार, भाजपा के प्रवक्ता को चुनौती दे रही हूं, 9 साल में कुछ साबित नहीं कर पाए। राहुल गांधी जी की सदस्यता बिल भी तो किसमें, अवमानना के मामले में सदस्यता ले ली, जेल भेजेंगे, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसकी आवाज जो लोकतंत्र के लिए उठ रही है, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, जलते मणिपुर के लिए बेटियों को न्याय नहीं है, और पूंजीपति मित्रों की सरकार कृषि कानून लाकर अध्यादेश से देश के किसानों की आवाज को, उनके अधिकारों को कुचलना चाह रही। कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 18 करोड़ नौकरियां, कहाँ हुई किसानों की आय दुगना, कहाँ हुई बेटियां सुरक्षित, आज ये पूछना चाह रहा है देश, और आप पूछने नहीं देते, आप आवाज बंद कर देते हैं, और इसी को लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। अर्पिता अर्पिता है। मैं आप 47 में पैदा नहीं हुई, मैं भी नहीं, आप 75 में भी मुझे यकीन है पैदा नहीं हुई होंगी, ना मैं पैदा हुई हूँ, लेकिन आज का जो युवा है उसे पिछले 48 साल के इतिहास में नहीं, अपने कल के भविष्य की चिंता है, और वो भविष्य आज तय हो रहा है, और आज किसको करना है तय, जो सत्ता में है, और वो आज भविष्य की चिंता नहीं कर रहा वर्तमान में, वो आपको इतिहास के अंधेरे में धकेल धकेल कर अपने वर्तमान के सवालों से, जलती मणिपुर की आग से बचना चाह रहा है, जिसे हम नहीं देख। जी देखिए, इस अघोषित आपातकाल में
विपक्ष के 3 प्रवक्ता हैं और सत्ताधारी पक्ष की तरफ से 2 प्रवक्ता हैं। इस अघोषित आपातकाल में अलका लांबा जी जिनको जो आपातकाल की शिकार हैं वो 33 मिनट में से अकेले जो है 14 मिनट बोली हैं। उसके बाद भी जो है अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। अब जो है वो बातें जो बता रही हैं, कृपा करके बताइए अलका लांबा जी, अलका जी प्लीज कृपा करके बताइए अध्यादेश की बात। अब देखिए बीच में बोलने लगी, अच्छा नहीं लग रहा मैम, प्लीज देखिए अब बोलने दीजिए, आप अपना पॉइंट होगा मैं दूंगी मौका, पूरा मौका दे रही हूं। अराजकता की पराकाष्ठा है, ये अराजकता तानाशाही की जो मानसिकता है उसका ये प्रमाण है। दूसरों को नहीं सवाल जो उनकी तरफ से है, कई बार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई ऐसे वक्त पर होती हमने देखी है, तो सवाल उठता है कि क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसको कहते हैं आपातकाल। सर सुनिए, कई बार ईडी और सीबीआई की टाइमिंग्स जो है कार्रवाई की वो उस वक्त हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट है ना बताएगा। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग हालांकि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल गए थे वहाँ वो खारिज हुआ, लेकिन टाइमिंग पर सवाल सुप्रीम कोर्ट है, टाइमिंग पर सवाल। दूसरी तरफ वो और भी कई प्रश्न हैं जिनको लेकर वो निशाना साध रही है, जितनी बातें आपने अपने इस देश सरकारी घोषणा पत्र में जो आपने बातें कही थी क्या सब पूरी हो गई हैं आप अपने इस और वो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी पर इतने समय से केस चल रहा है, एक लगभग पूरी हुई है। हाँ, लगभग पूरी हुई है, इतने दिन से केस चल रहा है, लेकिन आप कुछ अच्छा लगेगा समय कम है और मैं चर्चा चाहती हूँ, सबसे सब सवाल के जवाब मिल जाए। मैम रुक जाइए प्लीज, बक रही है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी लगा, देखिए अब राहुल गांधी से शुरू करते हैं। राहुल गांधी पर 2012 में फ्रॉड का 400 BC का मामला दर्ज करने का आदेश अदालत ने दिया। राहुल गांधी पर फ्रॉड का केस, 400 BC का केस, गबन का केस जो है अदालत ने आदेश दिया। उस मामले में हाई कोर्ट गए रिलीफ नहीं मिला, ये सुप्रीम कोर्ट गए रिलीफ नहीं मिला। नहीं रिलीफ मिलने के बाद एक प्रक्रिया है वो चल रही, उसकी ईडी ने पूछताछ की। एक मामले में वो सजा याफ्ता है, सजा याफ्त देने के पहले भी अदालत ने उनसे पूछा कि आपने सारे मोदियों को चोर बोलने का जो अपराध किया है इस पर आप क्षमा मांगना चाहते हैं क्या, उसका भी मौका दिया, वो क्षमा नहीं मांगे, उनको सजा सुनाई गई, वो अपील में गए, उनको अभी तक रिलीफ नहीं मिली, तो इसमें आपातकाल कहां से आ गया मुझे बताइए। दूसरा, अब जिन पर भी सीबीआई के मामले चले हैं या ईडी के मामले चले हैं, प्राइमा फेसी एविडेंस के बिना किसी के खिलाफ भी कोई भी मामला अदालत चलने देगी क्या? इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जजों का देखे झूठ कैसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, रोस्टर के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। रोस्टर पे रोस्टर कौन, किसका अधिकार है, सीजेआई का अधिकार। उसमें जजमेंट किसका आया, जस्टिस अरुण मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, रोस्टर पर उन्होंने जजमेंट दिया। उसमें सरकार की क्या भूमिका मुझे बताइए, और वो जो जस्टिस चेलमेश्वर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें जस्टिस गोगोई भी मौजूद थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोस्टर